नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मथुरा के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे जी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विशेष वार्ता की। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। से जाने हम कि यहां पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर और जो है रक्षाबंधन भाई बहन के पर्व का प्रतीक माना जाता है, प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हो मथुरावासियों को? सबसे पहले तो रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं, पूरा जिला प्रशासन की तरफ से हम अपील करते हैं कि प्रेम और भाईचारे से भाईचारे के साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, साथ ही स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे जनपद में अच्छे से सभी लोग सेलिब्रेट करें। ये हम सभी का सौभाग्य है और हम सभी जनपद वासियों से यही कामना करते हैं, अपील करते हैं कि इन दोनों कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और सर क्या क्या मतलब यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम होंगे? देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रातः ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उन पर माल्यार्पण कार्यक्रम होता है। साथ ही साथ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। कुछ लोग अपने भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से अपने जो बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इसमें हमारे पूरे कलेक्ट्रेट के जो भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं सभी लोग भाग करते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे एडीएम वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे जी, जिन्होंने जानकारी दी आगामी 15 अगस्त को लेकर और रक्षाबंधन का पर्व सादगी सकुशलता के साथ मनाया जाए, उन्होंने यही संदेश दिया है मथुरावासियों को। और हम तो यही कहेंगे सर, आपसे हुई एक छोटी सी भेंट के दौरान कि आप इस मथुरा को अल्प समय में गुलजार तो ना कर पाए, लेकिन जिधर से होकर आप गुजर जाते हैं ब्रजवासियों के दिलों का खाक तो कम कर ही जाते हैं। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।